Hello guys, annyeonghaseyo, bonjour, friends. Today we will do painting, and as you all know that we only do studies and do worksheets. So today we will do some creative work. So without wasting our time, let's get started. So guys, अब हम painting बनाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स लिए हैं. पहले मैं आपको वो कलर्स दिखा दूँगी, फिर मैं उनको साइड में रख दूँगी. उसके लिए लिया है मैंने ये ब्लू कलर, जो कि हम अपनी लाइट के लिए यूज़ करेंगे. ये लिया है येलो कलर, ये है ऑरेंज, ये येलो नहीं है, ये ऑरेंज है. मैंने ऑरेंज बनाया है. मैं आपको बताती हूँ ऑरेंज कलर कैसा बनता है. तो ऑरेंज कलर हमारा बनता है जैसे हमने येलो कलर लिया और रेड कलर लिया, तो जब हम उनको दोनों को मिक्स करेंगे तो वो हमारा ऑरेंज कलर में बन जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको साइड में रखती हूँ. और ये है हमारे पास रेड कलर, ठीक है? और ये लिया मैंने ब्लैक कलर, जिससे हम ट्री बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, अभी हम डे वाला बनाएंगे, ठीक है? सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पर रेड कलर ले रहे हैं. और यहाँ मैंने लिया है, ये दो ब्रश लिए हैं, पेंट ब्रश, और एक बाउल में इन्हें पहले भिगो के रख दिया, जिससे सॉफ्ट हो जाए, इनका कलर निकल जाए, ठीक है? थोड़ा सा ब्लू कलर तो थोड़ा निकल के अच्छी बात है, ठीक है? अब मैं इससे आराम से कर सकती हूँ पेंटिंग. एंड यहाँ मैं सबसे पहले रेड कलर अभी मैंने खाया, जैसे कि आप सभी को, तो हम पहले वो रेड कलर लेंगे. एंड यहाँ पे मैं इसको ऐसा करके अच्छे से ब्रश को अच्छे पहले साफ कर देती हूँ. देन अब मैंने इसको यहाँ पे रेड कलर में डिप कर देती हूँ. ये देखिए ये रेड कलर. और अब चलिए यहाँ पे हम इसको मिक्स मतलब पेंट मतलब कलर करते हैं. बिस्मिल्लाह. वाओ, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है. थोड़ा सा और रेड कलर लेके हम यहाँ पे और गाइस, मैं उसको स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कहीं से भी हम यहाँ से छोड़ना नहीं है. और अगर मैं स्किप करती रहूँगी ना तो ये बेकार जाएगा, ठीक है? और अगर मुझे कहीं लगेगा कि ये स्किप करने का है तो फिर मैं उसको स्किप कर दूँगी, ठीक है? वैसे जहाँ मेरा मेन पॉइंट होगा, जो मुझे लगेगा कि इसको नहीं निकालना मुझे और दिखाना है आप लोगों के सामने कि आपको ये पीस नहीं ख़राब करना है, तो मतलब ऐसे इसको करके अगर मैं बनाते रहूँगी तो शायद आपको बेकार हो जाए, फिर आप कमेंट्स करेंगे कि हमारा बेकार हो गया. ये मैंने रेड कलर ले लिया और हम एक लाइन बना लेती हूँ, ठीक है? इतनी हम बना लेते हैं एक लाइन. एंड देन मैं इसको फिर मिक्स कर देती हूँ. थोड़ा हम अभी यहाँ पे रेड कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस एक बार डैप से उनको हल्का से ले लेते हैं और इसको बस मिक्स कर देते हैं अच्छे से. खूब बनाए शायद कलर, तो शायद हमने अभी नहीं बनाया, थोड़ा सा सूख गया था, लेकिन हम मैंने इसको मिक्स करके मिक्स कर दिया. गाइस देखा आपने कि कितना अच्छे से हो गया. अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर लेके इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डार्क होता है ना, थोड़ा सा ऊपर से सनलाइट से आती है ना, रेड रेड भी होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ठीक है? तो अभी हम थोड़ी देर उसको सूखने देते हैं. अभी सूखने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. सो गाइस, अब मैंने जो यहाँ पे ऑरेंज कलर जो बनाया हुआ था ये वाला, मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ, एक बार शेक कर लेती हूँ, जैसे अगर कोई कलर बनाते हैं तो उसको अच्छे से पहले शेक कर लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ और यहाँ मैं पहले ऑरेंज कलर ले रही हूँ. ये रहा ऑरेंज कलर, थोड़ा लाइट है, कोई बात नहीं, अच्छा होता है कलर थोड़ा, है ना? तो अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सनी की तरह यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है? सनी
बनाना है, मतलब खुद जो हम लोग बना देते हैं, फैक्ट्री वाला नहीं, जो फैक्ट्री से आता है वो वाला नहीं कलर, जो हम बनाते हैं ना वो जल्दी सूख जाते हैं, है ना। तो यहाँ पहले मैं ऑरेंज कलर लेके पेंट करते रहते हैं, ठीक है। एंड गाइस अभी हम इसको मिक्स भी करेंगे, तो मिक्स किस अभी हम कर लेंगे, मिक्स उसको मिक्स करेंगे अभी हम उसको, ठीक है। एंड अभी हम इसको भी अच्छे से मतलब एक साथ इन्हें हम एक साथ भी करेंगे, मतलब सारा कलर एक साथ लगना चाहिए ना, मतलब अलग अलग लगेगा सारा, देखिए। अभी हम ऑरेंज येलो कलर ओपन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एंड गाइस हमें बार बार तो उसको सुखाना भी है, अगर हम एक साथ उस पर कर देंगे तो बेकार होने वाला है, और अगर सूख भी जाए तो कोई बात नहीं, पानी देके थोड़ा सा पानी देके उसको हम पहले मिक्स कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर येलो कलर लिया है तो चलो उसमें मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ मैंने येलो कलर ओपन कर लिया और चलो यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। येलो कलर लिया और अभी हम यहाँ पे येलो कलर ले लेते हैं और उसको यहाँ पे मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। एंड फ्रेंड्स हाँ मुझे बताएगा कि आपको किन लोग कितने लोगों को ये पसंद है पेंटिंग करना, कमेंट में जरूर बताएगा, ओके। अभी कोई अभी हम सूखने देते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने अभी सूखा भी नहीं था, मैंने इसको मतलब सूखने के बाद मैंने उसमें मतलब मिक्स करा, तो देख लीजिएगा क्या कंडीशन हुई थी, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, बहुत बुरा लग रहा था मैं बताऊँ। और उसके बाद फिर मैंने को एक आइडिया आया, फिर मैंने इतनी मुश्किलों से फिर इसको इतना ठीक कराया खाली, इसलिए आप लोग ऐसा मत करेगा, अगर आपका ख़राब हो गया मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर लूँगी क्योंकि यहाँ पे हमें लाइट बनानी है, ठीक है। तो मैं कलर कर लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। फ्रेंड्स आप पहले कलर मत करिएगा, ठीक है, पहले आप मेरा देख लीजिए उसके बाद आप कलर कर लीजिएगा। नाउ गाइस मैंने इसको पेंट कर दिया, अब आप इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर से टेप चटाऊंगी, उसके बाद हम इस पर ट्रीज बनाना शुरू करेंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक मतलब स्टेम की तरह से यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन बना ली, और अभी हम एक और बात करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे कॉटन, ठीक है। हम यहाँ पर कॉटन लेंगे और ब्लैक कलर से हम यहाँ पे उसके मतलब ब्लैक कलर लेके ऐसे टिप कर लेंगे हम इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। सो गाइस मैंने इसको कुछ ट्री के शेप में बनाया, मतलब एक गोल बिल्कुल गोल सर्कल जैसा एक ट्री बनाया, मुझसे बन में रहा था मतलब, लेकिन अगर आपको कोई और डिज़ाइन आता है ट्री के ऊपर तो मुझे ज़रूर बताएगा, ठीक है। और अपना मतलब शेयर भी करिएगा मेरे साथ, ठीक है, किसी भी तरह कर दीजिएगा। मेरे पास लिंक तो नहीं है जैसे मैं आपको सेंड कर दूँ, जैसे आप मुझे सेंड कर सके, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स में कि आपको आता है कि नहीं, फिर मैं भी तो देखूँ कि किस किस को आता है, ठीक है।
एंड गाइस अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर कुछ करके प्लांट्स बना देती हूँ। ये बन गई हमारी ये हमारी पेंटिंग बनके तैयार हो गई है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी पेंटिंग सामने से कैसे बनी है। गाइस ये मेरी पेंटिंग है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी पेंटिंग आपको कैसी लगी। एंड फ्रेंड्स मैं वीडियो ऑफ करने से पहले चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको देखना है कि मैंने जो कुछ बनाई हैं कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं मैंने और अगर आपको भी देखनी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? तो बाय बाय।